हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी जो है, आज से जो है हमारे सावन शुरू हो गए हैं, तो आप लोगों को सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब जो है सिंदारे विंदारे आने चालू हो जाएंगे, फिर कावड़ आना स्टार्ट हो जाएगी, पूरे फेस्टिवल ना स्टार्ट होने वाले हैं। अब तो यहाँ पे जो है सुबह सुबह उठी हूँ, अपना फेस वॉश करूंगी और थोड़ी देर जो है मैं ऊपर छत पे जो है घूमने के लिए आ जाती हूँ। कितनी भी जल्दी उठ लो, मैं जो है 6:30 बजे का इस पास का टाइम हो रहा है। धूप देख के ऐसा लग रहा है जैसे कितना लेट हो गया, पर ये धूप ना बिल्कुल कैड़ी वाली नहीं होती है, हल्की हल्की सी लगती है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ी देर घूमूंगी, उसके बाद मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। मैं घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट करने से पहले मुझे नाश्ता चाहिए, और ये मेरी बहुत गंदी आदत है। कई मम्मी ने मुझसे कितनी बार बोला हुआ है कि नहा के सारा काम निपटा के तब नाश्ता किया कर, लेकिन मुझे पता नहीं क्या, मुझे उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे नाश्ता चाहिए मुझे, क्योंकि मुझ पर रहा नहीं जाता है, बहुत तेज भूख लगने लगती है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अपने घर के बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। ये इतनी ग्रीनरी ग्रीनरी है और ये पहाड़ जो है तालाब है, तो इस तरह का मेरे घर के बाहर का व्यू है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ऊपर घूम के भी आ गई, मैंने नाश्ता भी कर लिया, और अभी जो है मैं आराम से अपना बैठ के फ़ोन चला रही हूँ, कि सुबह के टाइम थोड़ा सा ना सबको गुड मॉर्निंग भेजना, उसके बाद जो है थोड़े यूट्यूब चलाना, थोड़े इंस्टाग्राम चलाना, उसमें जो आधा घंटा मेरा नाश्ता के साथ साथ निकल जाता है। नाश्ता मैंने कर लिया है, वीडियो एडिट करनी है क्योंकि 11 बजे आप लोग को ब्लॉग देना है। आधा ब्लॉग एडिट हो गया है, आधा ब्लॉग रह गया है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं घर का काम कर लूँ, उसके बाद जो आधा रह गया उसे मैं तब एडिट कर लूँगी। और आज जो है गर्मी हो रही है बहुत भयंकर वाली, मौसम को देखो तो ऐसा लगेगा कि जैसे बारिश पड़ने वाली है, लेकिन बारिश नहीं पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी, मैं बता नहीं सकती। अब फेस पे ना अजीब सा चिपचिपापन सा लगता है, मैं दिन में पता नहीं कितनी बार अपना फेस क्लीन करती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि गर्मियों में हमारी स्किन जो है काफ़ी अच्छी निखर के आते हैं, क्योंकि पसीने आते हैं। सर्दियों में थोड़ी सी डल हो जाती है, ये सबके साथ होगा, और जिनकी ड्राई स्किन है उनका तो सर्दियों में बुरा हाल होता है, मेरी तरह। आप लोग भरोसा नहीं करोगे, पता है मुझे गर्मियों में भी यहाँ पे मेरी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, गर्मियों में भी, तो समझो मेरी कितनी ज़्यादा जो है ड्राई स्किन है। तो मम्मी नहाने गई हैं, उसके बाद ही जो है मैं अपने घर का काम वाम स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी बहुत ज़्यादा बातें हो गई, पहले मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। हो तो बहुत अच्छा रहा है, थोड़ी सी बारिश पड़ जाए, पूरी दुनिया में बारिश पड़ रही है, ये तो ऐसे दिखना रहा। रुको, बाहर जाके दिखा रही हूँ, वहाँ तो अच्छे से दिखाएंगी। देखो ऐसा लग रहा है, वाह वाह वाह, वो हल्का हल्की सी ठंडक सी भी है, लेकिन बारिश नहीं पड़ रही। कितना सुहाना मौसम है। तो आज जो है हमारे ड्राइंग रूम की क्लीनिंग चल रही है। असल में क्या है, ये ना ड्राइंग रूम 3-4 दिन से बंद था, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी पहले व्लॉग में दिखाया हुआ है कि हमारे घर में मेरे बेड में दीमक लग गई, तो हमने जो है थोड़ा सा ना इसमें से लग रहा था कि मुझे दीमक लगी हुई है, लेकिन इसमें कोई दीमक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी जो है मैंने सारा सामान निकाल के, पापा ने और मैंने सारा सामान निकाल के इसे जो है सारे अच्छे तरीके से जो है 2-3 दिन इसमें दवाइयाँ लगाई जो भी दीमक की आती है, और सोफे वोफे हटा के सब कुछ जो है, ये 2-3 दिन से ये रूम बंद ही था, और अभी जो है इसकी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग चल रही है। बस क्या हुआ कि इस रूम के जो है मैं पर्दे भी वॉश करना चाहती थी कि पर्दे धो दो, लेकिन मम्मी ने जो है मना कर दिया कि पर्दे अभी नहीं धोना, क्योंकि बरसात चल रही है, वो सूखेंगे नहीं, और फिर क्रीम कलर के वैसे हैं तो कहीं ना कहीं जो है निशान लग जाएगा, तो इसलिए जो है मम्मी ने मना कर दिया कि भाई नहीं रहने दो। तो बस मैंने पर्दे छोड़ दिए हैं, मैं सोच रही हूँ रक्षाबंधन आने वाली है, उससे पहले जो है एक एक
करके सारे रूम के मैं पर्दे धो दूं, क्योंकि एक साथ क्लीनिंग नहीं हो पाती है। मेरा ये है कि एक साथ मरने से अच्छा है कि थोड़ा 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 रोज। मैंने यहाँ पे ये घोंसला बनाया हुआ है मिट्टी का, और यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, तो ये ना इसीलिए नहीं करा क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, तो ये यहीं पे ऐसे ही है। हर बाहर का मौसम आज दो बार दिखा दिया, वो ठंडी ठंडी हवा का काम ही ख़त्म हुआ है। मैं खाने के लिए जा रही थी और मैंने देखा हाय कितना प्यारा प्यारा सा मौसम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी जगह कुछ तो गर्मी ख़त्म हुई, फोन पे भी बारिश पड़ गई। एक तो आज क्या है वैसे, चावल बन रहे, खिचड़ी बनती गई है, गुरु पूर्णिमा, अब तुम टीचर्स डे। ओ माय गॉड, अब मैं तुम्हें एक बात बोलूंगी, ध्यान से सुनियो, अब तुम मेरी कोई मम्मी मम्मी नहीं हो, अब मैं एज ए फ्रेंड बात करेंगे, अब मैं तुम्हारा नाम लूंगी नीलम। अब एक शेर और शायरी, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान, आगे बोलिए, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान, तुम जाने जहां, तुम जाने तमन्ना, और बस थोड़े से पैसे दे दो, बढ़ाई बहुत सारी होगी। जाने जहां, जाने तमन्ना, जाने बहार, नीलम डार्लिंग। नीलम मम्मी तुम्हारा नाम है, मम्मी तो चौड़े था, अब तुम मम्मी मम्मी ना हो कुछ, अब तुम सिर्फ डार्लिंग हो, नीलम डार्लिंग। हाँ। जानी मम्मी को कुछ साल लगा, मम्मी के फेस के एक्सप्रेशन बदल गए तुरंत ही जानी के नाम ये बिल्कुल ही कातिले अदा में चावल चुगनी है ये, अम्मी आए हाय, मम्मी याद आई है, कातिल अदा, जाने जहां, जाने बाहर, किस कहां से पड़काई है। कहां से काय को पड़काती, मैंने खुद ने बनाए, अच्छी है, बहुत स्मार्ट लग रही हो। One eternity later, शाम का टाइम हो रहा और मैंने धोया है सिर, और अंशु की तबीयत एकदम खराब हो गई, पता नहीं कैसे, अब लेट लिया, देखो तो लगी सर भाई, मैं लेकर इच्छा है, अब मुझे क्या पता ऐसे उल्टी और ऐसा हो रहा, चक्कर वक्कर से आ रहे हैं, अभी लेट ही है, अब उठाऊंगी चाय वाय दूंगी इसे, थोड़ी ठीक हो जाएगी, ये दवाई गोली देखो दे। असल में एक बात है, यूँ बाहर का खाना जरूर खाती है, कितनी मना कर लूँ मगर यूँ बात नहीं आती। फिर क्या मैं मम्मी मुझे अच्छा लगा था खाना, फिर भाई जब ना मानती था खा ले भैया, फिर नुकसान दे वैसे यू ही है, और क्या हो रहा है इसका। तो मैं जो है सो रही थी, मम्मी ने मेरी जमकर आप लोगों से बुराई है, कर ये करती है, वो ये करती है, सब कुछ करा, लेकिन जो है मेरी तबीयत अभी ठीक है, और मैं दिखा रही थी आप लोगों, रात को मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी मिली है, और बहुत सारी साथ साथ में बातें भी मिली हैं कि बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएगी, पता नहीं क्यों। चलो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।